हाँ बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू वन मोर लेक्चर. द लेक्चर इज अबाउट द सबसेट. बिफोर दिस वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेट एंड द डेफिनेशन ऑफ ए सेट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. मगर जो आज का मेरा लेक्चर है, दैट इज अबाउट द सबसेट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट और How we define a subset? यानी subset किसको हम कहते हैं बेटा? Simple, a set यानी अगर आपके पास कोई set A है, अगर बेटा आपके पास कोई set A है और आपके पास एक और set है, one more set, the set B. When we say the set A is सबसेट ऑफ सेट बी, यानी हम कब कहेंगे ये जो सेट ए है ये इस सेट बी का भाई है सबसेट. सिंपल, यानी व्हेन वी से सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, इट इज सिंपल. द सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए सेट बी, यानी ए सेट A is, हाँ, we were right, यानी a set A, आप चेक करो बेटा ये दिखाई देता है, a set A is a set, A is a subset, is a subset of set B, yes बेटा, यानी ये जो set A है, हम इसको तब मानेंगे set B का subset, when If every element of A, यानी if every element of A is also an element of B, yes. इससे हम बेटा कहते हैं सबसेट. यानी when one set इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट. सिंपल, ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. इफ, तब होगा ये सबसेट अगर ए का हर एक एलिमेंट मौजूद होगा सेट बी में. Let us take an example. Yes, beta. We take an example. If A is a set, 1, 2, 3, and B is also a set, 1, 2, 3, 4. Yes. क्या ये A B का subset है? Simple. मैंने क्या बताया? One set is subset of another set. If elements of the set, first set, that means if the elements of set, every element of set A is also an element of set B. So simply we can say that A is the subset of set B. तो अगर हम यहां चक बेटा करेंगे, क्या इस A का हर एक element ये तो B में मौजूद है, then what can we say? हम कहेंगे बेटा कि ये जो A है it is the subset, it stands for, या मैं बताऊंगा आपको ये कि इसको हम पढ़ते हैं subset, यानी A is subset of B. बेटा इसको हम क्या पढ़ते हैं, यानी A is subset of B. अगर ये सबसेट नहीं होगा, यानी बेटा अगर ये ए बी का सबसेट नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, यानी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी. कीप इन माइंड, सिंपल, यानी मैंने क्या बताया, ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए सेट बी में, तो हम कहेंगे कि ये जो
ए है, ये क्या है बेटा, ये बी का सबसेट है। ये भी मैंने बताया कि अगर आपको सबसेट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, या आप ऐसे भी कहेंगे, हाँ बेटा, यानी हम ऐसे भी कहेंगे कि अगर इफ इफ ए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सब, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो हम क्या कहेंगे, अगर ए कोई एलिमेंट है ये करेगा बिलोंग किससे, ए से, इंप्लाइज दैट ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। यस, यानी अगर अगर ए बिलोंग कर, ए इज अ सबसेट, अगर ए बी का क्या है बेटा सबसेट, देन वी कैन से ए बिलोंग्स टू ए, तो ए जो है ये किससे बिलोंग करेगा, फिर ये बी से भी बेटा बिलोंग करेगा। हाँ बेटा, अब एक और चीज है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी है बेटा दूसरा 1 3 4 5 6। चेक करो क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है, नो। क्यों, विच एलिमेंट इज इन ए बट नॉट इन बी, द एलिमेंट इज बेटा 2, 2 बिलोंग्स टू ए बट it does not belongs to B, then we can say that A is not a subset of B. Yes, yani A jo beta hai ye yani B ka subset nahi hai. Why not A is the subset of B? Because there exists at least one element, the element is 2 which belongs to A but it not does not belongs to B, so we can say A jo hai ये बी का बेटा सबसेट नहीं है। यस, ये तो बेटा हुआ अबाउट सबसेट। हां, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा आपको पढ़ना है, वो पॉइंट आपको बेटा क्या पढ़ना है, कीप इन माइंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी बेटा जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है। आपको पता है एन जो है, एन इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो बेटा W है, W जो है दैट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, इट इज फ्रॉम 1 2 3 डैश। ये जो W है 0 1 2 3 डैश, देन वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वी कैन से दैट N इज सबसेट ऑफ W। इसी तरह बेटा हम क्या कहेंगे, यानी N जो है, ये N क्या है बेटा, ये W का बेटा क्या है, यानी बेटा ये W का सबसेट है। इसी तरह ये जो W है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये Z का क्या है, सबसेट। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ सबसेट ऑफ Q, बिकॉज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q। यानी ये बेटा हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरह और एक पॉइंट जो बेटा आपको अपने दिमाग में बिठाना है, ये मैंने पढ़ाया बेटा, यानी सबसेट। एक और पॉइंट, वन मोर पॉइंट जो आपको बेटा पढ़ना है, वो क्या है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा आपको पढ़ना है, यानी अगर ए आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए बेटा है 1 2 3, यस इट इज अ सेट, यानी बेटा ए कोई सेट है, ए इज एनी सेट, तो आपके लिए क्वेश्चन होगा, हाँ बेटा, यानी आपके लिए क्वेश्चन होगा, ये जो सेट ए है इसके कितनी सबसेट्स होते हैं। कीप इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव गिवन एनी सेट एंड आपको बताना है हाउ मेनी सबसेट्स द गिवन सेट हैज, सिंपल आपको एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बेटा रखना है। द फॉर्मूला इज, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ये किसके बराबर होता है, 2 raised power n। सर ये क्या है 2 raised power n, 2 raised power n क्या होता है, ये n व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 cube। वाई,
because number of elements in set A equals to 3, तो हम बेटा क्या कहेंगे, it is equal to A, यानी ये जो set A है, इसकी कितने subsets होंगे, इसके बेटा होंगे कितने subsets, 8, yes, one more important point, तो ये जो important point मैंने आपको बेटा पढ़ाया, ये important point मैंने क्या पढ़ाया, मैंने बताया कि एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे, एक सेट के मैंने बताया कि ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स सबसेट्स होंगे ये किसके बराबर होते हैं, 2^n, यस, यानी एक फॉर्मूला है बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, a इक्वल्स टू 1 2 1 2, इट कंटेन्स टू एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, यानी बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स ये कितने होंगे, 2^2, दैट इज इक्वल टू 4, यानी दिस इज इक्वल टू 4, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, हाँ बेटा इट हैज 4 सबसेट्स, बट आपको लिखना है, यानी राइट ऑल द सबसेट्स, आपके लिए क्वेश्चन होगा, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए व्हिच इज इक्वल टू 1 2, तो कैसे लिखेंगे, यस, यानी वो सबसेट, पहला पॉइंट बेटा एमपीटी सेट, कीप इन माइंड, यानी बेटा एमपीटी सेट जो होता है ये हर एक सेट का सबसेट होता है, कीप इन माइंड, एमपीटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एमपीटी सेट जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, वाइट सेट भी कहते हैं, नल सेट और वाइट सेट, ये हर एक सेट का क्या होता है, यानी बेटा ये हर एक सेट का सबसेट होता है, दूसरा पॉइंट, अब क्या लिखेंगे सर, वन भी बेटा इसका सबसेट है, अब इंडिविजुअली पहले लिखेंगे, फिर क्या आएगा, 2, यस, वन मोर पॉइंट, 1 2, यानी सर ये सेट ही अपने सेट का सबसेट होगा, यस, कीप इन माइंड, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने क्या पढ़ाया बेटा, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी मैंने क्या बताया, व्हेन यू हैव टू राइट द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, तो हम कैसे लिखेंगे सर, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर, यानी इफ ए इज अ सेट, यस, इफ ए इज अ सेट 1 2 3, यू हैव टू राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए, चेक करो, दिखाई देता है बेटा, यस सर, सबसे पहला पॉइंट तो आपको लिखना है इसके कितने सबसेट्स होंगे, मैंने बताया जब आपको सबसेट्स किसी भी सेट के लिखने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, 2^n, सर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट, ये बनेगा बेटा 2³, दिस इज इक्वल टू 8, यस, नाउ इफ यू हैव टू राइट द सबसेट्स, इफ यू हैव टू राइट द सबसेट्स, तो हम कैसे लिखेंगे इसके सबसेट्स, हाँ, सबसे पहला पॉइंट यानी इसका जो सबसेट है वो 5 है, एमपीटी सेट, बिकॉज we know MPT set is a subset of every set. दूसरा point फिर लिखना बेटा individually. One, ये इसका subset है, क्यों है? Because this element one belongs to A. फिर क्या लिखेंगे? 2. फिर क्या लिखेंगे बेटा? 3 लिखेंगे. फिर क्या? अब दो दो लेंगे. 1 2. फिर क्या लिखेंगे बेटा? 2 3. फिर क्या लिखेंगे बेटा? 1 3. चाहे आप 3 1 लिखोगे या 1 3, ऑर्डर डज नॉट मैटर, कितने आए बेटा 1 2 3 4 5 6 7, और क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा 1 2 3, यानी दिस सेट, यानी मैंने आपको बताया एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हाँ बेटा, वन मोर पॉइंट, बस, पावर सेट, ये पावर सेट क्या होता है, कीप इन माइंड, पावर सेट क्या होता है, यानी सेट ऑफ सबसेट्स क्या कहलाता है बेटा, सेट ऑफ सबसेट्स, यानी यू हैव गिवन ए सेट एंड यू राइट ऑल इट्स सबसेट्स, तो हम इन सबसेट्स का क्या लेंगे, सेट लेंगे, उसी को हम बेटा कहते हैं यानी पावर सेट, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, हाँ बेटा, इफ यू हैव गिवन ए सेट
यानी यू हैव गिवन ए सेट ए इक्वल्स टू वन और टू. यस बेटा, वी राइट ऑल इट सबसेट्स. वी नो अभी मैंने बताया एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, यानी टू रेज पावर एन बाय एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट. यस, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे बेटा, इसके चार होंगे. वी राइट ऑल इट सबसेट्स फाइव, फिर इंडिविजुअली वन. यस बेटा, फिर टू. यस, फिर क्या होल सेट वन टू. अगर बेटा ये तो क्या बन गया, ये बन गया शबाश क्या सबसेट्स, ये इस सेट के सबसेट्स है. मगर जब मैं इसी इन सबसेट्स का क्या लूंगा, क्या लूंगा यानी सेट, तो इसको हम कहेंगे बेटा पावर सेट, विच इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए. अगर इसका नाम होता क्या बी, तो हम क्या नाम क्या लेते बेटा, यानी क्या लेते शाबाश पी ऑफ बी. यानी मैं आपको आई विल रिपीट दिस पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. मैंने बताया सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. फिर मैंने बताया पावर सेट, ये पावर सेट बेटा क्या होता है, पावर सेट इज द सबसेट, इज द सेट ऑफ सबसेट्स. यानी बेटा ये जो पावर सेट होता है, ये पावर सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया, यानी बेटा पावर सेट होता है यानी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, दैट इज नोन एज पावर सेट. इसके बाद वन मोर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, टॉपिक इज यूनियन, या इन शॉर्ट वी कैन से यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स. तो वो लेक्चर इंशाल्लाह बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.